कार्यक्रम में प्रदेश के मेधावी बच्चे पहुंचे। यहां आयोजित एक कॉम्पिटिशन में इन नन्हे मुन्हे बच्चों ने अपनी ट्रिक अपनाकर गणित के कठिन से कठिन सवाल को चुटकियों में हल कर दिया। उमरिया के बच्चों ने प्रदेश स्तरीय स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सोमवार को नगर के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया जब यूसी मास की 17वीं मेंटल अर्थमेटिक स्टेट लेवल कंपटीशन में ओम मरा और शर्विल खटिक ने गणित के सवालों को चुटकियों में हल करके मध्य प्रदेश में थर्ड रनर अप और फोर्थ रनर अप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। 17वीं मेंटल अर्थमेटिक स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में राज्य के 60 नगरों से 5,000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने अपना मेंटल अर्थमेटिक व गणित के सवालों को चुटकी में हल करने का अद्भुत कौशल दिखाया, जिसमें यूसी मास एकेडमी उमरिया के विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। संस्था के डायरेक्टर वसीम अकरम ने बताया कि उमरिया से 17 विद्यार्थियों ने इस स्पर्धा में भाग लिया, जिसमें ओम मरावी थर्ड रनर अप, शर्विल खटिक फोर्थ रनर अप, इसके साथ ही दो विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में टॉप 50 में स्थान प्राप्त कर नगर का गौरव बढ़ाया। साथ ही 13 विद्यार्थियों आस्था सिंह, जानवी मार्को खनक, नमन पाचे, निष्ठा सदाफल, पार्थ विनायक पी से, पूर्वी पांडे, प्रतीक बैगा, प्रवीण्य विनायक पी से, सृष्टि चौधरी, श्रेयस रोहिणी, वर्धन राज सिंह परस्ते को टॉप 100 पार्टिसिपेशन की ट्रॉफी व प्रमाण पत्र दिए गए। सीआई इरशाद सर ने बताया कि यह एक संपूर्ण बौद्धिक विकास प्रोग्राम है, जिसकी सहायता से बच्चों के मस्तिष्क का संपूर्ण विकास किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान अतिथिगण, स्कूल के शिक्षक एवं बच्चों सहित उनके अभिभावक गण मौजूद रहे। उमरिया के लिए ये बहुत अच्छा मौका है IPS के द्वारा कि इसी माह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली ना केवल बच्चों को मैथमेटिक्स का इतना एक अलग ही ट्रिक के द्वारा उनका ज्ञानवर्धन होता है। एक अभी से बच्चों में एक कंपटीशन की जो भावना होती है, स्टेट लेवल कंपटीशन, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इतने सारे जो कॉम्पिटिशन होते हैं, इससे बच्चों में अभी से हायर लेवल में कॉम्पिटिशन जाने में कॉन्फिडेंस भी है। ये मैं बधाई दे रहा हूँ वसीम सर को, जो डायरेक्टर साहब हैं यहाँ के, मेरा प्रयास जो रहता है मेरा और भी बच्चों से, यहाँ के उमरिया लोकल के बच्चों से, क्योंकि मैंने स्वयं वहाँ जाके देखा है जो नेशनल स्टेट लेवल में जो मैंने वहाँ का स्टेट में जाके महसूस किया है, वहाँ पे जो जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को। IPS स्कूल द्वारा संचालित यूसी मास उमरिया के 17 बच्चे इंदौर गए थे और ये मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल कंपटीशन जो कि हर साल होता है और इसमें हमारे 17 बच्चे सम्मिलित हुए थे और पूरे संभाग में हमारे बच्चे जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं और जिसमें थर्ड रनअप भी आए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, फोर्थ रनअप भी आए हैं, टॉप 50 में भी बच्चे आए हैं, टॉप 100 में बच्चे आए हैं। अब इस कैलकुलेशन का फ़ायदा ये होता है बच्चों को कि 8 मिनट में 200 क्वेश्चन बच्चे करते हैं। जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि जो बच्चा 3 घंटे में 200 क्वेश्चन कर रहा है वो हमारे बच्चे 8 मिनट में ही कर लेते हैं। उसका कारण ये है कि वैदिक मैथ्स, यूसी मास और जो ब्रेन डेवलपमेंट का कार्यक्रम है वो हम बच्चों को देते हैं, जिससे कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है और बच्चे अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन कराते हैं। इवन आगे बच्चों को नवोदय विद्यालय हो गए, सैनिक स्कूल हो गए और आगे जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, UPSC, MPPSC, उसमें इनडायरेक्टली बच्चों को हेल्प मिलती है, क्योंकि मैथमेटिक्स तेज रहता है बच्चों का, तो पूरा बच्चों का सब कुछ अच्छा रहता है। यहाँ उमरिया जिले के जो बच्चे गए थे उनके पेरेंट्स और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हार्दिक। आज IPS स्कूल में यूसी मास के बच्चे जो क्लासेस चलती हैं और वसीम सर उनको सिखाते हैं, और ये कंपटीशन यूसी मास का इंदौर में हुआ था और उमरिया के बच्चे वहाँ पर प्रतिभागी रहे, जहाँ पर उन्होंने स्थान भी अर्जित किया है, तृतीय स्थान के साथ साथ और भी कई स्थानों पर उन्होंने चयनित हुए हैं। उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्कूल के संचालक श्री उस्मान भाई हैं उनको और उनके शिक्षक जो हैं, मार्गदर्शक शिक्षक कह लें वसीम सर हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर इन बच्चों को विशेष रूप से बधाई है। वो वहाँ पर स्थान उन्होंने ग्रहण किया, स्थान में विजयी रहे और आगे उनका भविष्य इसी प्रकार उज्जवल होगा, मुझे लगता है वसीम सर के निर्देशन में आगे उमरिया के नाम के साथ साथ अपना नाम, अपने माता पिता। हमारा एग्ज़ाम इंदौर में 4 जून को हुआ था, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 5 जून को था, एंड आज उमरिया में हमको फिर से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन
हुआ और वसीम सर ने भी बहुत अच्छे से हम लोग को टीच किया, जिसके कारण हम लोग मतलब इसमें विनर बने। एंड इससे पहले भी कई कॉम्पिटिशन्स हुए थे जिसमें वसीम सर ने बहुत मदद की है मेरी एंड बाकी सब स्टूडेंट्स की भी।